मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको क्लास 11th की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी स्मृति में वाच के लेखक हैं कृष्णनाथ जी। इन्होंने लिखा है ये स्मृति में वाच। स्मृति में वारिश ये एक यात्रा वृतांत है। क्या है ये है यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब वो होता है बच्चों कि जब लेखक कहीं जाता है या कहीं यात्रा पे जाता है और वहाँ का वर्णन करता है तो उसे हम यात्रा वृतांत कहते हैं। ऐसे ही हमारे जो लेखक हैं कृष्णनाथ, वो यात्रा स्मृति की बारिश स्मृति में गए घूमने के लिए, निकल गए दोनों। और वहाँ पर उन्होंने जो महसूस किया, जो उन्होंने अनुभव किया वो क्या था, वो ये है स्मृति की बारिश। मतलब उन्होंने जो अनुभव किया, जो फील किया, वो उन्होंने यात्रा वृतांत में निबंध में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो जो स्मृति है वो है कहाँ पर, तो जो स्मृति है वो है हिमालय पर्वत पर, एक हिमाचल प्रदेश पर पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश पे लाहुल तहसील लगती है। लाहुल तहसील में जो है वो वहाँ पर तहसील है लाहुल इसकी, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है स्मृति। स्मृति क्या है, स्मृति में मतलब क्या होता है कि स्मृति एक पहाड़ी इलाका है। इसकी बहुत लंबी ऊंचाई है, 10 फीट से भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई है वहाँ पर, और वो बहुत गहरी खाई है वहाँ पर। लाहौल से भी ज़्यादा गहरी खाई स्मृति की है, और वहाँ पर वो बहुत पहाड़ी इलाके में है, इसलिए वहाँ पर बारिश कम होती है। तो मतलब वहाँ जब बारिश कम होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं है, फूल पत्तियों वाले पेड़ पौधे नहीं है, फल वाले नहीं है, बड़े वृक्ष वहाँ पर नहीं है, बड़े पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं है। इसलिए वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है कि बड़े पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं है, तो क्या है बच्चों वहाँ पर बारिश कम होती है, इस कारण से वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर इलाका बहुत सर्दीला होता है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत मतलब ऊंचाई पर है। वहाँ के लोग बहुत सीधे स्वभाव, शांत स्वभाव के लोग होते हैं। एक मतलब जो वहाँ पर शांत स्वभाव के वहाँ पर बहुत लोग होते हैं। वहाँ अपनी युद्ध नहीं करते, लड़ते नहीं हैं। यदि कभी उन पर कोई लड़ने के लिए आता है संकट, तो वो अपने शांत रहकर वो बात को निपटा लेते हैं। पास में जब कभी मतलब उन पर आक्रमण करते हैं, आपके बादशाह मतलब लोग अगर उस पर आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, स्मृति पर आक्रमण करते हैं, तो वहाँ के लोग पास में ही एक पेड़ है वहाँ पर उसकी टहनी पकड़कर आग बंद करके बैठ जाते हैं, और जब संकट कर जाता है तो वो खोलकर देखते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार को हमने अपनी रक्षा करते हैं। वहाँ के लोग दूसरों को ना करके वो अपने की स्वयं की रक्षा करते हैं। यहाँ पर मतलब कितने बार मतलब कहते हैं कि जो ये पहले क्या था कि इसकी जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ पर है, लद्दाख में। मतलब का जो पश्चिमी भाग है वो लद्दाख में है, और उसकी मतलब पहले इसको क्या किया, पंजाब से मिला दिया गया, पंजाब में स्थित कर दिया। फिर इसके बाद पंजाब से हटाकर इसको हिमाचल प्रदेश में स्थित कर दिया गया, जो अभी भी वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों की यहाँ पर सिर्फ दो जगह, हर जगह चार प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और वसंत ऋतु। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ दो ही ऋतुएँ होती हैं। कौन सी ऋतु होती है वहाँ पर, एक बसंत ऋतु होती है, और दूसरी कौन सी ऋतु होती है, दूसरी ऋतु जो होती है वो होती है सर्दी, और वहाँ पर सिर्फ सर्दी ही पड़ती है। जून से लेकर सितंबर माह तक वहाँ पर बसंत ऋतु पड़ती है, जहाँ पर उसका मौसम अच्छा होता है, थोड़ा सुहावना मौसम होता है, और बाकी जो 8-9 महीने होते हैं वो उसमें सर्दी ही पड़ती है, जिससे एक दूसरे का संपर्क टूट जाता है। लोग ना बाहर निकलते हैं, ना ही वहाँ पर कोई पहुँच सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है, लोग अपने ही घरों में रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ और क्या होता है, जैसे वहाँ पर सर्दियों के मौसम में बहुत बर्फ गिरती है, इस कारण से वहाँ पर मतलब लोग पहाड़ी इलाका है, स्वाभाविक है पहाड़ी इलाका है, तो बर्फ गिरेगी, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर वायरस का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जब ये सब सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं तो उससे वो भी कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब उससे
एक बहुत ये एक भौगोलिक रचना है, मतलब एक भौगोलिक कथा है जो हमारे पूरी भौगोलिक कथा पर लिया गया है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब उनको हमारे लेखक पहुँचे और उन्होंने देखा यहाँ का वातावरण, तो उन्होंने इस पर उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों का जो कॉन्टैक्ट जो संपर्क करते हैं वो किससे करते हैं, वायरलेस सेट होता है वहाँ पर, वायरलेस सेट के द्वारा कनेक्शन एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, मिल पाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बर्फ वाला तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर 8 महीने वहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है लाहौल, यहाँ पर ब्रिटिश राज के भारत में जस का तस मिला, जैसे का तैसे। वहाँ पर जब भारत मतलब कहते हैं वहाँ पर 1901 में जब जनगणना हुई तो वहाँ पर के वहाँ के अनुसार वहाँ के लोग जो वहाँ पर वास करते थे 3231 रही है, मतलब उससे किलोमीटर से वहाँ पर एक ही आदमी दो आदमी रहते थे, मतलब वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 1971 की जनगणना तक थोड़े आगे बढ़े तो उनकी जनसंख्या 7186 थी कहीं, जिसमें 1 किलोमीटर आगे पर सिर्फ 4 ही लोग थे। इसका क्षेत्रफल मुझे 1931 की जनगणना के दावों के साथ जोड़कर मिला, मतलब काफ़ी उनका जो ये किलोमीटर का क्षेत्रफल था वो काफ़ी ही बड़ा था। गेटिंग क्लियर ऑक्सफोर्ड 1908 के अनुसार क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है, मील है, वहाँ पर 2 से अधिक कम थी, मतलब 1901 में प्रति वर्ग मील 2 से अधिक कम थी, 2 से भी अधिक कम थी। लाहौल स्पीति प्रशासन ब्रिटिश राज सरकार ने जस का 10 मिला, अंग्रेजों ने उसका 1886 ईस्वी में कश्मीर का राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला, मतलब जो वहाँ के राजा कौन थे, गुलाब सिंह थे, और उन्होंने मतलब उस पर कब्जा कर लिया था, किसी स्मृति में कर ले को ज़्यादा लोग तो थे नहीं, तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता था कितनी जनसंख्या हो कि किसने कब्जा कर लिया और किसने नहीं। फिर वहाँ क्या हुआ कि पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन था, फिर उन्होंने सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, कांगड़ा जिले के सारिफ कर दिए गए, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति के शासक के नैनो द्वारा चलाया जाता था, मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम नैनो था, उसके हाथों में मतलब सब कुछ था, वो ब्रिटिश के अधीन था और वह उनके सारे कार्यों को करता था। 1873 स्पीति में रेगुलेशन पास हुआ और उन्होंने लाहौल की स्थिति के विशेष दर्जा दिया, ब्रिटिश राज के कानून यही लागू हुए और रेगुलेशन आदि प्रशासन के अधिकार में नेहरू को दिए गए, मतलब ये सारा काम नेहरू क्या क्या काम करता था, मालगुजारी चर्चा करना, फौजदारी करना, मुकदमों का फैसला करना, इन्हें शामिल करना, उसके ऊपर से मामले में कमिश्नर के पास भेज देता था। इन जीवन लाहौल स्पीति वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। 1960 में लाहौल स्मृति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, पहले क्या था वो राज्य पंजाब से मिला था, उसको अलग जिला बना दिया गया जिसका केलंग में है। 1966 में हिमाचल प्रदेश राज्य में बना लाहौल स्पीति की उत्तरी छोर का जिला हो गया और देश में से अधिक दुर्गम क्षेत्र है, जो देश का अधिक दुर्गम भेजा, चारों तरफ जो उनके चारों तरफ है वहाँ ठंडी ठंड पड़ती है, फिर पंजाब से जाकर अब तो अभी फिलहाल स्मृति जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये स्मृति 31.42 42 से लेकर 42.69 आकांक्षा उत्तर में 77.26 और 78.42 पूर्व दक्षिण देशांतर के बीच स्थित है। इन चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कहती है, ये पहाड़ों की औसत लंबाई 18,000 फीट है। यहाँ पहाड़ ऊंचे उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर के लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इस नाम के स्मृति नदी की घाटी है। पश्चिम स्मृति ये पश्चिम हिमाचल के लगभग 1600 फीट की ऊंचाई से लेकर ऊंचाई से निकलकर पूरब के तिब्बत में बहती है। वहाँ पर मतलब एक नदी वहाँ पर बहती है जो स्मृति के नाम से है, क्योंकि स्मृति के स्मृति से होकर जाती है तो उसका नाम स्मृति है, नदी का नाम ही स्मृति है। इस नदी के अलावा पिंड घाटी प्रसिद्ध है, मान इसमें यहाँ पर आश्चर्य यह है कि कहाँ तक कम लोग रहते हैं, लोग क्यों है आश्चर्य यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, मतलब लोग ताज्जुब करते हैं कि ऐसी पहाड़ी इलाकों
और मन की शांति के लिए पहाड़ों पर जाए स्थानों पर रुके रहते, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो मन की शांति के लिए और अच्छे मन वाले शांत मन वाले रहते हैं। 8 महीने से दुनिया में कटेरा एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है और गर्म रस मतलब वहाँ पर पेड़ ही पौधे नहीं है तो लकड़ी कहाँ से होगी, तो वो अपने आप को गर्म भी नहीं रह सकते, तो वो कम से कम वहाँ पर जो फसलें होती हैं खाने के लिए तो 8-9 महीने तो कहीं बाहर जाते नहीं, तो वहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर क्या इंतजाम किया गया है खाने पीने का, तो वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं मटर गेहूँ और दो किस्म की जो ये इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जब लेकिन साल में एक ही फसल उगाई जाती है और मतलब जौ की फसल ज़्यादा उगाई जाती है वहाँ पर, जो वहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है, तो मतलब एक साल में एक ही फसल उगाई जाती है। इसी तरह से अपने खाने पीने का वो रखते हैं। 8-9 महीने से दुनिया से कटे हुए रहते मतलब किसी से मिलते जुलते नहीं, उनकी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, मतलब क्या करें कहाँ चले जाएँ, तो इसलिए वो मजबूरी में रहते हैं और कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएँ या फिर बातों के साथ साथ यह सब कारण है कि मैं नहीं जानता, तो मैं इतना भी देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है, तर्क मैं हर चीज़ों में भले सिद्ध कर सके स्थिति के रहने के लिए सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तर्क में इतना मोह क्यों, ज़्यादा करके संसार का निर्माण अतर्क है तर्क से परे है क्यों। स्मृति नदी के साथ साथ मैंने थोड़ा परिचय स्मृति के पहाड़ों का भी है, स्मृति के पहाड़ लाहौर से ज़्यादा ऊंचे नंगे और भव्य हैं, उनके सिरों पर स्मृति की नर नारियों के आर्तनाद जमा हुआ है, सिर के इतिहास में हिम का आर्तनाद है, पिटोरन है, कलम है और वृथा है, इस प्रथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों से नहीं कही जा सकती, फिर भी सुंदरता के इंच से मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ में कैसे बच सकते हैं वे जान लें, स्मृति हिमांचल की घाटी है जिसे वे हिमांचल जानते हैं, स्केटिंग सौंदर्य प्रतियोगिता आइसक्रीम छोले भटूरे कुल्लू मनाली शिमला मसूरी नैनीताल श्रीनगर ये सब हिमालय नहीं हिमालय का तालुआ है जो के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्मृति की घाटियाँ हैं, इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है, इनमें श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह की ऊंचाई 10,535 फीट है, स्मृति ने 12,986 फीट है यानी लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई है, ये मध्य हिमाचल की जो श्रेणियाँ स्मृति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उन्हें 12 रांझा श्रेणियों का विस्तार समझे, 12 रांझा दरे की ऊंचाइयों का अनुमान 16,221 से लगातार 1,605 फीट तक लगाया गया है, इन पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है, दक्षिण में भी जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है, इसका क्या अर्थ है, कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र का नाम पर तो नहीं, मतलब जो यहाँ ये जो श्रेणी है इसका नाम इसके नाम पर रखा गया, ओम मणि पद्मे यह मंत्र है इसका भी यह महंत बड़ा महंत्र है और इसी नाम से इस श्रेणी का नाम रखा गया, श्रेणी का नाम है माने के नाम पर ही नहीं है, अगर नहीं है तो ऐसा जैसा है जहाँ पहाड़ी के माने मतलब इसी नाम से माना जाता है, इपेरियल कैटेरियल के माने श्रेणी की ऊंचाई 21,686 फीट बताई गई है, मतलब इसकी जो घाटी की जो वर्ग की ऊंचाई बताई गई है वह 21,686 बताई गई है, यह तो इस श्रेणी में किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, इसमें दो जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं उसकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है, कई गाँव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई का है, एक मध्य हिमालय है जिसमें स्मृति स्थित है, इसके पार ब्रह्म हिमालय दिखता है जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई गई है, इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं, मैं ऊंचाइयों के माप के चक्कर में नहीं हूँ, मैं ना ही उसकी वोट लगाने के पक्ष में हूँ, वह एक बार लोसर ने जो कर लिया सो बस है, यही ऊंचाइयों की वोट लगाना मृत्यु है, ना हाँ कभी कभी इसका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है, मैं सोचता हूँ कि देश की दुनिया में मैदान
प्राप्त होता है। अहंकार का यह मानना नहीं कि मारे छोटे बूढ़े नमा जाकर उदास हो गई, पर योग्य तुम करें तो या भी हर्षित हो। अभी तो इन स्मृतियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले निकल, यह एक युवा निमंत्रण है। राहुल कितना स्मृति हुई दो दुर्गम होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो और होती हैं वो कैसी होती हैं, क्योंकि दो पर दो होती हैं, एक कुछ बसंत ऋतु होती है, कुछ सर्दी ऋतु होती है। बसंत ऋतु जून से लेकर सितंबर तक काम जाती है, बाकी सारी ऋतु सर्दियों की होती है, इसलिए लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं रहते। यहाँ पर मतलब यहाँ की जो पेड़ों की टहनियाँ हैं बेलों की सच्ची शक्ति तथा जीवन की प्राणवली होती है। वर्षा ऋतु में मन में सब सादे हुए हैं कि शायद स्मृति की नर नारी यही पूछेंगे कि देवता कौन है, कौन कहाँ रहता है और क्यों नहीं आता। मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं होते इस कारण से। लेकिन क्या होता है, क्या हुआ कि एक बार जो हमारे जो लेखक हैं कृष्णनाथ, वो एक बार चले गए वहाँ पर। स्मृति के मुनि ने लिखा है यात्रा वृत्तांत है, उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है। एक बार वो उन्होंने फिर बताया कि इसका स्मृति की बारिश का नाम क्यों पड़ा, क्यों ये यात्रा बनाई, क्यों उन्होंने इसका नाम ये स्मृति की बारिश क्यों रखा। जब उन्हें डाकघर से मतलब डाकघर में रुका गया तो उस समय के पास से वो गाड़ी लेते हुए थे, ठंड तो बहुत थी और पहाड़ी इलाकों में सर्दी बहुत थी, और वो ओढ़े उड़े लेते हुए थे तो उसी खिड़की के दरवाजे पर खटाने की आवाज़ आई। और उनके मतलब हिम्मत तो हो नहीं रही थी कि ठंड के मारे बिस्तर को छोड़ा जाए, लेकिन उस समय के पास से उन्हें यह एहसास हुआ कि बारिश हो रही है बाहर। और बारिश हो रही है, उन्हें कैसे पता चला कि खिड़कियों के जरिए उन पर पानी की बूंदें गिर रही थी, उनके चेहरे पर पानी की बूंदें गिर रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था, उन्होंने देखे किसी तरह से अंधेरा था और लाइट आई तो उसके लिए उन्हें लालटेन उठाई, लालटेन की लो बढ़ाई और धीरे से दरवाजे के पास गए। एक पल्ला दरवाजे का खोलकर देखा तो एक पल्ला उन्होंने दरवाजे का खोला तो उन्होंने मतलब क्या कहा, जैसे ही खोला तो बर्फ के गुब्बारे अंदर आने लगे, ऐसा उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें सुझुका रहा, मतलब इतनी भयानक बारिश हो रही थी और इतनी ठंड हो रही थी। तो उन्होंने जल्दी से झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और उन्हें ये पता चल गया कि बारिश होगी और आकर वो आराम से सो गया, अपने बिस्तर पर सो गया और उन्हें नींद आ गई। नींद आ गई तो दूसरे दिन जब वो सुबह उठे सोकर तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि मतलब कल बहुत बहुत बारिश हुई, कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और उन्होंने कृष्णनाथ को सौभाग्यशाली बताया अपने लिए कि आप यहाँ पर आए तो आपकी वजह से यहाँ पर बारिश होगी। और उनकी बहुत उन्हें बहुत शुभ माना अपने देश में आने के लिए, उन्होंने बहुत शुभ माना कि ये बहुत सौभाग्यशाली इंसान है जिनके कारण आने से हमारे देश में बारिश हो गई। तो बच्चों जब उन्हें इस तरह का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर उसका नाम फैलकर तब उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों का सुबह चाय फिर यात्रा के मतलब लोग उनसे कह रहे थे कि चाय पीने जा रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुत दिनों बारिश हो, इसलिए उन्होंने इस कथा का नाम, इस यात्रा वृत्तांत का नाम स्मृति की बारिश लिखा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में थोड़ा टेढ़ा सा है ये चैप्टर, लेकिन हाँ आप मन से पढ़ोगे और जो मैंने समझाया उसको माइंड में रखकर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये कहाँ पर है, ये सबसे पहले कि वो कहाँ पर है, वहाँ पर कितनी फीट ऊँचाई है, किस कितनी फीट ऊँचाई पर वो वहाँ पर है, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, वहाँ पर कितनी बारिश होती है, वहाँ पर कितनी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे क्यों नहीं होते, वहाँ पर मतलब लोग क्या खाते हैं और वहाँ मतलब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर पहले किनका राज्य था, ये सारी चीज़ें बस आप लोगों को याद करना है और ठीक से पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, हिंदी का स्मृति की बारिश।